भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2022 पर नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में देश में करीब 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका एक ही मकसद है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, जो हमारे प्रीएम्बल में चीज़ें लिखी हैं, समता की, फ्रेटर्निटी की, सोशल इक्वालिटी की, वो जो सारे विचार हैं वो हमारे देश के कोने कोने तक जाएं, ना केवल हमारे देश के बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने में जाएं। इसीलिए इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, इसीलिए ये धम्म परिषद यहाँ पर अच्छे पैमाने पर रखी गई है। अब समय आ गया है, जो चक्का स्लो चल रहा था रिवाइवल के बाद 1956 के बाद, उसकी गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। लोगों में जागरूकता आ रही है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। भारत के बाहर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म जो है, धम्म जिसकी आप बात करते हैं, आपका राष्ट्र जो बौद्ध राष्ट्र है, वो धम्म जो है आपको भारत से मिला है। आज भारत में 1% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इसकी टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन 35% बाबा साहब को मानने वाली है। तो इतनी, अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, आप इसे देखिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि आपके पास जो विचार हैं वापस भारत को बौद्धमय बनाया जा सके, उसके लिए हमें आपका इंटरनेशनल स्तर पर सपोर्ट चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से परे, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो ये है कि हमें बाहर से सपोर्ट से ज़्यादा हमें हमारा सपोर्ट चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे लोग हैं वो सामने निकल कर आएँ और कहें कि हम आपके साथ हैं, बताइए हमें क्या करना है। जितनी बार भी मैं लोगों के सामने जाता हूँ, मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर यही चाहत रहती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, ऐसा रहे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं वो जो उनकी मानसिकता है लेने वाली, उसको देने में बदलना चाहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे उस लेवल पर आती जा रही है जहाँ लोग एक कदम रखेंगे। 84,000 मूर्तियाँ बांटते हैं, कई बार मूर्तियाँ बांटते हैं, मेरे पास अभी तक कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं आया कि गगन जी मैं आपके साथ हूँ, आपकी फाउंडेशन के साथ हूँ, बताइए क्या करना है, मैं इन दो गरीब टेम्पलों को अपनी तरफ से मूर्ति दान करना चाहता हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे एक भी कॉल अभी तक नहीं आया। जिस दिन वो कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि हम करना चाहते हैं, उस टेम्पल को देना चाहते हैं, आज हम जो मेरिट लेना चाहते हैं वो आपके नाम करना चाहते हैं, उसके नाम करना चाहते हैं, उस दिन समय लेना कि समय आ गया है कि भारत बौद्धमय भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जिसमें स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि विचार जो है सही तरीके से डिफाइन होकर सभी लोगों तक पहुँचे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए ये परिषद ली जा रही है।